अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी सहित 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। रविवार रात को भी प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के सामने काफी प्रदर्शन किया, लिहाजा सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ देर के लिए अंडरग्राउंड बंकर में ले जाना पड़ा था। व्हाइट हाउस की लाइटें भी बंद करनी पड़ी। व्हाइट हाउस के नजदीक स्थित ऐतिहासिक सेंट जॉन एपिस्कोपल चर्च को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। न्यूज चैनल CNN के मुताबिक वॉशिंगटन सहित 15 शहरों में करीब 5,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। जरूरत पड़ने के लिहाज से 2,000 गार्ड्स को मुस्तैद रहने को कहा गया है। आखिर अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर इतना विरोध क्यों हो रहा? बता दें आपको कि दरअसल मिनेपोलिस में 26 मई को फ्लॉयड को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक पुलिस अफसर ने फ्लॉयड को सड़क पर पकड़ा था और अपने घुटने से उसकी गर्दन को करीब 8 मिनट तक दबाए रखा था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, देख रहे हैं आप तस्वीरों में। वीडियो में 46 साल का जॉर्ज लगातार पुलिस अफसर से घुटना हटाने की गुहार लगा रहा था। धीरे धीरे उसकी हरकत बंद हो जाती है और इसके बाद अफसर कहते हैं उठो और कार में बैठो, तब भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है।